हेलो बच्चों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में हो चुकी है आपकी कंपटीशन अब कम, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो पहले राउंड में सीट्स अलॉट की गई थी वो 80,000 के अप्रॉक्सीमेटली थी, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फी पे करके एडमिशन लिया है पहले राउंड में वो अप्रॉक्सीमेट 59,000 के आसपास टोटल स्टूडेंट है। इसका मतलब ध्यान से सुनो, 21,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है सीट मिलने के बावजूद भी, तो अल्टीमेटली वो लोग कॉम्पिटिशन से अब बाहर हो चुके हैं। सेकेंड राउंड में 21,000 से बच्चे जो है वो अब आउट है, उनका एडमिशन नहीं वाला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पॉलिसी था कि अगर आपको कोई सीट अलॉट की गई है तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा एनी हाउ। इसका मतलब 21,000 बच्चे अब आपके रास्ते से साफ है, और जो बाकी के बचे हुए जितने भी 14-15,000 के आसपास सीट्स अभी भी है उसके लिए आपका कॉम्पिटिशन है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप डरो मत, आपकी कॉम्पिटिशन भी कम हो चुकी है, बच्चे भी टोटल कम हो चुके हैं, तो इस बार आपके एडमिशन के चांसेस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कट ऑफ। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी चीजें होगी, कोई भी अपडेट होगी इस तरह की गुड न्यूज मैं आपको बता दूंगा। लव यू, टाटा, बाय बाय।